नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अवराला थाना क्षेत्र के समदी गांव में शुक्रवार को देर रात मनबड़ों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही आसपास के लोगों की मदद से देर रात ही युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला लाया गया, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अहरौला थाने क्षेत्र के समदी गांव निवासी आलोक निषाद 27 वर्षीय को देर रात गांव में ही कुछ मनबड़ों द्वारा गोली मार दी गई। गोली उसके पेट में लगी है। परिवार और गांव के लोग उसे लेकर सीएचसी अहरौला पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। वहीं लोग घटना को प्रेम संबंध से जोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलोक कुछ दिन पहले ही गाँव की एक लड़की से प्रेम संबंध के बाद कोर्ट मैरिज किया था, उसी की अदावत में फायरिंग हो सकती है। दोनों एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं। गोली मारने वाले गांव के ही लोग बताए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने मामले को संदिग्ध बताया। इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कल रात्रि लगभग 8 बजे थाना क्षेत्र अहरौला अंतर्गत एक व्यक्ति आलोक निषाद पुत्र माखन निषाद उम्र 27 वर्ष को पेट में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल इनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। वादी देवेंद्र निषाद की तहरीर पर FIR नंबर 425/22 धारा 307 IPC विरुद्ध वीरेंद्र निषाद, रामजौर निषाद और मोनू निषाद पंजीकृत किया गया है। अभी तक की विवेचना से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि आलोक निषाद जो मजरूब हैं, जिनको गोली लगी है, इनकी शादी मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र निषाद की सगी बहन से हुई थी। वीरेंद्र निषाद इनके सगे साले हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इसके साथ साथ यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी देवेंद्र निषाद ये लगभग 3 साल से 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में था। अक्टूबर के महीने में जेल से छूट के आया है। जो उस मुकदमे में जिस लड़की के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उसके परिवार के रामजौर निषाद और मोनू निषाद को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस की वर्तमान में जांच चल रही है। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए विवेचना पुलिस के द्वारा संपादित की जाएगी।